कर रहे हैं। धीरे धीरे समय वो एक महीने का था, वो भी निकल गया। और जब समय पूरा हो गया तो यम के दूत जो है मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए आए। और जब यम के दूत मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए आए तो यम के दूत आकर के जो है यहां मार्कंडेय जी ऋषि को ले जाना चाहते थे। यम भास जो है यमदूत ने मार्कंडेय ऋषि को ले जाने के लिए फेंकी। अब मार्कंडेय जी ऋषि को जो है वो यमदूत दिखाई दे गया, बड़ा भयावह था, उनको लेकर के जाने वाला था। अब तो बड़े घबरा गए, घबरा करके जो है शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से बोलने लगे, ओम त्र्यंबकं यजाम महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। जोर जोर से जो है शंकर जी के महामंत्र का जाप करने लगे। यमदूत जो है ले जाना चाह रहा है, बड़ा प्रयास करता है, लेकिन उसका प्रयास असफल हो रहा है। और जैसे ही उसने पूरे बल के साथ मार्कंडेय ऋषि के प्राणों का हरण करना चाहा, मार्कंडेय ने आद्र भाव से भगवान शंकर को पुकारा। उस शिवलिंग को फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान प्रकट हुए, यमदूत भी आया, भगवान शंकर को प्रणाम करने लगा, क्योंकि काल भी जो है शंकर जी के पैर दबाता है। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तो सारादि संकाश गौरम गमीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। काल भी आकर के भगवान शंकर के चरण सेवा किया करता है। उसने जैसे ही देखा यमदूत ने कि भगवान शंकर स्वयं आ गए, जाकर के पहले भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपके आने का कारण क्या है? ये मार्कंडेय की जो है उम्र पूरी हो गई, अवस्था पूर्ण हो गई है, अब जो है इन्हें लेने के लिए आए हैं। कहा अच्छा, कौन से हिसाब से पूरी हुई? कहा आपने 16 साल की उम्र दी थी, वो पूरी हो गई तो इनको लेने आए। भगवान शंकर ने कहा कि हमने तुम्हारे वाले 16 साल नहीं, हमने हमारे वाले दिए थे। कहा कैसे हमारे वाले? कहा ये मैं बताता हूँ हमारे वाले कैसे, कि ये चारों युग 100 बार व्यतीत हो जाते हैं, ये चारों युग 100 बार व्यतीत हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का कितना एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के चारों युग 100 बार हो जाएं, ये जो हम कलियुग द्वापर त्रेता सतयुग ये जो है ना, चारों युग 100 बार निकलने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, हैं? और ब्रह्मा जी के ऐसे चारों युग 100 बार होते हैं जब विष्णु भगवान का एक दिन होता है, और विष्णु भगवान के वैसे चारों युग 100 बार होते हैं जब शंकर जी का एक दिन होता है। का हमारा एक दिन होता है तब, अब कैलकुलेटर लाए हो तो जोड़ लेना, हमने हमारी उम्र में से 16 साल इसको दिए, अब जोड़ते रहो कितने दिन की हो गई। अब वो तो प्रणाम करके चला गया मार्कंडेय ऋषि, आज भी जो है विराजमान है। जब महाप्रलय होता है पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है, जब मार्कंडेय ऋषि रहते हैं, और मार्कंडेय ऋषि प्रभु के वो जब पत्र पे, वो पीपल के पत्ते पे भगवान पूरी पृथ्वी का, पूरे जलमग्न संसार का भ्रमण करते हैं, उस समय मार्कंडेय ऋषि जो है उनका प्रभु का दर्शन करते हैं। उन्हें ये सब कैसे प्राप्त हुआ, इतनी लंबी अवस्था लंबी उम्र कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि वे साष्टांग प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम करने का इतना बड़ा प्रतिफल है कि जिस मार्कंडेय को 16 साल की उम्र मिली थी उसे भगवान शंकर ने ऐसे कई योगदान कर दिए। ये साष्टांग प्रणाम करने का तरीका होना चाहिए। अरे उतना मत करो, कम से कम सिर लगा के तो कर लिया करो। आजकल प्रणाम करने की पद्धति प्यारे बदल गई है, घूंटे में प्रणाम करना, सिर में धूल लग जाएगी। लेकिन जिसका हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है, हमारे नहीं कह रहे, हमारे तो पढ़ने ही, तुम्हारे इंसानों की बात कर रहे, तुम्हारे नाते रिश्तेदारों की बात कर रहे, भगवान की बात कर रहे। हमें जिसका आशीर्वाद चाहिए उसके चरणों में वो पावर, वो ऊर्जा, वो शक्ति होती है, उसके चरणों में ही वो शक्ति होती है।
कि वहां से हम उस ऊर्जा को ले सकते हैं, उस पावर को ले सकते हैं, और उस पावर को खींचने की क्षमता अगर किसी में है तो वो यहाँ हमारे सिर में। किसी का आशीर्वाद चाहिए तो उसके चरणों में अपना सिर रख दो, वो खुश रहो कहे और नहीं कहे उसकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुमने बड़े बड़े संतों को देखा होगा, उनकी घड़ा दूर रखी रहती, वहां पांव पड़ के चले जाते, क्यों? क्योंकि हमारी तरह लाखों करोड़ों उनके पांव पड़ते, उनकी इतनी पॉजिटिव इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि संतों का एक बार स्पर्श मात्र हो जाए तो आदमी का जीवन बदल जाए, तो वो दूर ही पढ़वाते कि वहीं पढ़ते रहो। आदमी के जो है सिर में मस्तिष्क में वो ऊर्जा वो शक्ति है कि किसी का आशीर्वाद ले सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे विकृति आई, धीरे धीरे विकृति ऐसी आई कि आदमी ने पांव पड़ने का तरीका बदल दिया, मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हो गए। सिर रख के पांव पड़ने में शर्म लगती है, सिर खराब हो जाएगा, कंघी मिट जाएगा, और कंघी नहीं पूरा जीवन मिटा लिया तेने, क्योंकि अब तेने घूटे के पैर पड़े, कऊ घूटनन के पड़ते, कऊ कमर के पड़ लेते, ये कोई तरीका है प्रणाम करने का? उससे क्या हुआ? उससे आशीर्वाद की जीवन में कमी आई, आशीर्वाद की जीवन में कमी आई तो उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? तेरी कंगी ना मिटे, तेरी कंगी ना मिटे, इसलिए सिर रख के प्रणाम नहीं करता। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि बालक झड़वा दिए सारे है? प्यारे प्रणाम में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो ताकत है। अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं, अगर उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई, मार्कंडेय को जब इतनी लंबी उम्र मिल सकती है तो हम खुशी रहे, वो कहे में खुशी नहीं रह सकते क्या? प्रणाम की पद्धति को हमने बदल दिया, इसलिए हमारा समाज धीरे धीरे असंस्कारित हो रहा है। अब बच्चन को क्या समझाएं? पहले तो पिता लोग ही प्रणाम करना भूल गए, अब बड़े बड़े सियाने बुजुर्ग हमने देखे जिनकी बड़ी बड़ी उम्र हो गई, 60 साल 70 साल, पहले तो सिर रख के भगवान के मंदिर में प्रणाम करते थे, अब तो ऐसे पांव लागते कहीं उनका मोड़ा जा रहा, कहीं उनका हाथ जा रहा, ऐसे करके प्रणाम कर रहे। अन तुम में आशीर्वाद लेने की श्रद्धा बची, न देने वाले में देने की श्रद्धा बची, अब तुम्हें संस्कार भूल गए और संस्कार की अपेक्षा अपने बच्चन से करते हो, तो वो कभी ना आएंगे। जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है, वो तुम प्राप्त करोगे। संस्कार ही अपनी अगर संतान को देखना चाहते हो, लोग मैं देखता हूं बैठ करके जहां भी और कई जगह जब लोग इकट्ठे होते तो संस्कार और संगठनों की बात करते हैं कि समाज में धीरे धीरे संस्कार जाते जा रहे हैं, संगठन नहीं है हिंदुओं में, ऐसा नहीं है, गांव में संगठन नहीं है, मोहल्ले में संगठन नहीं है, समाज में संगठन नहीं है, हम समाज को संगठित करेंगे, हम समाज को संस्कारित बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और समाज को और देश को संस्कारी और संगठित बनाने के लिए कई लोग निकल भी पड़े, लेकिन प्यारे पहले पीछे मुड़ करके देख लेना। अगर संगठन बनाना चाहते हो, संस्कार बनाना चाहते हो, संस्कारित करना चाहते हो सच में समाज को, समाज को अगर सच में संगठित करना चाहते हो, संस्कारी करना चाहते हो, तो शुरुआत कहाँ से करो? अपने घर से करो। मैंने देखा खुद के बच्चा दारू पी रहे और संस्कारण की बातें बड़ी सभा में बैठ के दे रहे, ऐसे संस्कारों की बात कोई मानेगा तुम्हारी? तुम्हारी भैया भैया एक दूसरे की शक्ल ना देख रहे और संगठन की बात कर रहे, बड़े हमारे समाज को संगठित कर लो, पूरी सरकार हिला देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे और तुम्हें तुम्हारे भैया की शक्ल ना देख रहे, ऐसा संगठन चलेगा? कभी ना चलेगा। एक बार एक बच्चे का पेट दर्द होगा, एक बच्चे का पेट दर्द हुआ तो उसकी माँ जो है, एक बाबा जी बड़े जानकार थे, संत बड़े जानकार थे, उनके पास लेके गई, महाराज आप बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत जानते हैं, ये हमारे बच्चे का पेट दर्द करता है, इसके पेट दर्द की कोई दवा दीजिए ना। अब संत ने पूछा पहले उससे क्या खाते हो, क्या दिनचर्या, सारा कुछ समझा। बच्चे ने बताया कि ये मैं गुड़ खाता हूँ। उसकी माँ ने कहा कि ये महाराज गुड़ खाता है, रोज नियम से गुड़ खाता है। और संत ने कहा कि ठीक है, बीमारी तो पकड़ में आ गई है कि ये गुड़ खाता है, लेकिन इसकी दवाई इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी।
महाराज कब आए दवाई लेने के लिए? संत ने कहा कि एक काम करो, एक हफ्ते बाद आ जाना दवाई लेने के लिए। अब वो माता चली गई वापस की, जब एक साल से पेट दर्द सहन कर रहे, 7 दिन और कर लेंगे। वो संत से कहती, महाराज 7 दिन बाद दवाई मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, गारंटी से मिलेगी, पेट मर जाएगा गारंटी से मिटेगा। बेटे से कहती, 7 दिन और दर्द को भोग ले, कोई बात नहीं, 7 दिन बाद तो पेट तेरा मिटना ही है संत कृपा से। और 7 दिन व्यतीत हो गए, फिर माता उसको बच्चे को लेके गई, पेट दर्द था जिसको, और संत के पास लेके गई। संत से कहा कि महाराज दवाई बन गई? हाँ बिल्कुल, दवाई तैयार है। क्या है? कहा, दवाई ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आज से गुड़ खिलाना बंद कर दो। गुड़ खिलाना बंद कर दोगी तो इसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा महाराज, ये बात तो आप एक हफ्ते पहले भी कह सकते थे कि इसका गुड़ खिलाना बंद कर दो, तो ये एक हफ्ते और इसका पेट दर्द नहीं करता। संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनना। संत कहते हैं, माता मैं पहले भी इसको कह सकता था कि गुड़ खाना बंद कर दे, और लेकिन उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था रोज। मैंने धीरे धीरे करके एक हफ्ते में गुड़ खाना बंद किया। जब मैंने उस पर संयम कर लिया, मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया, तब मैं इसको कहने का अधिकारी हुआ कि बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। और मैंने जब स्वयं ने संयम कर लिया और इससे कहा, तो ये मेरी बात मानेगा, अन्यथा ये मेरी बात मानता नहीं। ऐसे ही हम समाज को संस्कारित करने की बात कर रहे, समाज को संगठित करने की बात कर रहे, तो सबसे पहले खुद सुधरो। अगर खुद सुधर गए तो समझ लेना कि पूरी दुनिया सुधर गई। खुद संगठन हो गए, संगठित हो गए, परिवार संगठित हो गया हमारा, तो पूरा देश और समाज संगठित हो गया। अगर तुम किसी के पास जाकर के संस्कारों की बातें करोगे तो तुम उसको करने के अधिकारी हो, और फिर लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और समझेंगे, और फिर समाज भी संस्कारित होगा, देश भी संस्कारित होगा, देश भी संगठित होगा। पहले स्वयं को करने की जरूरत है। स्वयं चिलम पी रहे बेटा से कह रहे कि ये सब बेकार चीज है, चाय भी बेकार चीज है। अरे तुम खुद ही चिलम पी रहे, तुम्हारा बेटा जो है उससे बड़ी चीज पिए। संस्कार, अगर खुद संस्कारी नहीं हो तो अपने संतान से संस्कार की अपेक्षा कभी मत करना। बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, सब रावण जी पढ़ते हो, सब रामायण जी पढ़ते हो, रामायण जी खूब पढ़ लें, लेकिन उतारी के देख, बात उतारने की है। रामायण जी पढ़ने अकेले से कुछ होने जाने वाला है नहीं। रामायण जी अकेली पढ़ के और सो गए तो उससे होगा कुछ नहीं। रामायण जी को अगर हम अपने जीवन में उसकी एक एक शौपाई, एक एक शब्द, एक एक अक्षर इतना इतना वंदनीय है कि रामचरित हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म, आपके धर्म कर्म से पुत्र की जो है तरक्की होगी, प्रगति होगी। और अगर हमारे जो सदकर्म सुकृत नहीं है, हम खुद ही संस्कारी नहीं है, असंस्कारी है, तो बिल्कुल यकीन मान लेना कि मैं ब्याज के तुम्हें प्राप्त होगा। प्रणाम करने की पद्धति को जैसे मार्कंडेय ने अपनाया, किसी को मत करो ना सही, लेकिन भगवान के मंदिर में जब भी जाओ प्यारे, भगवान के मंदिर में संतों की शरण में जाओ, तो साष्टांग नहीं तो कम से कम सिर रख कर प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। अगर तुमने सिर रख करके प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन के पूरे की तो गारंटी हम ना लेते, लेकिन आधे की तो हम कह रहे फिर भी कि तुम्हारे जीवन के आधे संकट तो पांव लगने से ही दूर हो जाएंगे, बाकी भगवत कृपा संत कृपा तुम्हारे ऊपर होगी तो तुम सदा सर्वदा प्रसन्न रहोगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। में थोड़ी कमजोरी आएगी। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ बड़ी सुंदर कथा है जो है महाशिव पुराण में। ये बीच बीच में जो है पुड़िया इसलिए छोड़ते रहते हैं। अब एक बार हमारी कहीं कथा हुई, जगह का नाम नहीं बताएंगे, यूट्यूब पे डल रही है, कौन आ जाएगा वहां से। एक जगह कथा हुई तो अब वो ज्यादा ऐसे चुटकुला वुटकुला सुनामते ना है, आते ना है, पढ़े ना है चुटकुला। चुटकुला के लिए हमने पंडा जी से कह दिया था रात में अलग से प्रोग्राम करवा दें। हुआ भी, आप लोग आए थे, चुटकुले चल रहे थे, सुन रहे थे, बड़ी तालियां बज रही थी।
वो अलग आनंद है। तो अब वहां गए कथा करने, वो कहे महाराज चुटकुले सुना, अब बड़ी समस्या चुटकुले आवे ना, और कथा में कम से कम एक घंटे में चार चुटकुले सुनाने, हम बड़े टेंशन में रहे, आज चुटकुले लावे कहाँ से, एक दिन निकल गया हम ना सुनाए, दो दिन निकल गया फिर आई समिति महाराज चुटकुले सुना। अब मैं कहा कथा ही में चुटकुले की तरह बोल देता हूँ, आदमी हंस लिया करते हैं यार कहे के चुटकुले, और चुटकुले भी वो भूहड़ जो जो धर्म मंच पे नहीं बोल सकते ऐसे भूहड़ चुटकुले। मैंने कहा मैं चुटकुले की तरह कथा ही बोल देता हूँ भैया, उन सब में मतलब आदमी को चुटकुले बड़े चाहिए, हास्य चाहिए हर जगह। फिर मैं बोला अगर चुटकुले ही सुनने हैं तो किसी लाफ्टर शो वाले को बुलाए ले, वो तेरे को दिन भर चुटकुले सुनाएगा, ये पुराण का है को परवाह। कथा को ही ऐसे जो है आपको हंसने हंसाने के लिए थोड़ी थोड़ी बुढ़िया छोड़ दिया करते हैं, आप प्रसन्न भाव से भगवान की कथा सुनेंगे तो जब प्रसन्न होकर के हंसते हुए भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान शंकर यहाँ विराजमान तो वो ऐसी कृपा करेंगे कि मेरी कथा तूने हंसते हुए सुनी, प्रसन्नता से सुनी, तो ऐसी प्रसन्नता तेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। भगवान शंकर शिवलिंग रूप में विराजमान है। कल हम सभी बड़ी सुंदर अभिषेक की चर्चाएं सुन रहे थे, कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाने से किस प्रतिफल की हमें प्राप्ति होती है, भगवान शंकर का अभिषेक क्यों करते हैं। पुराणों में वर्णन आया है, ऐसे पुराणों में कई जगह कई पुराणों में वर्णन आया है, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन सभी देवता विचार करते हैं कि समुद्र मंथन करना चाहिए। अब समुद्र मंथन करने के लिए भैया हमारे अकेले के बस की बात तो है नहीं, देवता कहते हैं तो इसमें राक्षसों को सम्मिलित कर लेते हैं, बड़े बलशाली हैं तो उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि समुद्र मंथन होगा तो समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा तो बहुत सारे फायदे होंगे, और भी मणि माणिक के रत्न इत्यादि समुद्र में हैं, बहुत सी पदार्थ समुद्र से उत्पन्न होंगे समुद्र मंथन करने। सभी देवता जो है राक्षसों के पास गए, कहा राक्षसों से कहा कि भैया जो है हम लोग समुद्र मंथन करने की सोच रहे हैं, और राक्षसों ने कहा कि भैया अगर समुद्र मंथन करने की सोच रहे तो कर लेते, हमसे परमिशन लेने आए, हमसे परमिशन लेने आए तो हमने परमिशन दी, जाओ समुद्र मंथन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर देवताओं ने कहा कि हम और तुम भाई भाई तो हैं, कोई अलग अलग थोड़े ही। फिर एक राक्षस कहता स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर जन की है यह नीति, कहा ये स्वार्थ के कारण ये देवता आए हैं, कोई तो स्वार्थ है इनको, और इतने मीठे बोल रहे, कोई अलग से मीठा बोले आए तो समझ जाना कोई बड़ा काम निकलवाने आया। देवताओं ने राक्षसों से कहा भैया हम दोनों भाई भाई हैं, और समुद्र मंथन हम ये चाहते कि हम दोनों मिलकर करें, अब जब भाई भाई हैं तो कोई भी चीज करेंगे तो दोनों मिलकर ही करेंगे। राक्षसों ने कहा तो उसमें हमें क्या फायदा है, तो देवता कहते कि भैया उस समुद्र में से अमृत निकलेगा, और अमृत जो पी लेगा वो मरेगा नहीं, तुम हजारों वर्ष तपस्या करते हो ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हो भी गए तुम कहते हो अमर कर दो, वो कहते हैं अमरता का वरदान किसी को नहीं मिलता, फालतू परेशान हो रहे, इतना जीवन निकल गई, इतनी पीढ़ियां निकल गई, इसलिए समुद्र मंथन कर लेते हैं, अमृत निकलेगा, आधा तुम पी लेना आधा हम पी लेंगे, दोनों भाई अमर हो जाएंगे, झंझट खत्म। राक्षसों को प्रस्ताव अच्छा लगा, ठीक है चलो। अब जो है पर्वत को लेकर के आया, मद्राचल पर्वत को लेकर के आया, अब पर्वत का जो है लेकर के आए, वासुकी नाग को लेकर के आए, अब वो सुंदर जो है वासुकी नाग उस पर्वत में लपेटा गया, उसकी अरई बनाई, अरई बना करके जो है समुद्र मंथन करने के लिए पर्वत को जैसे ही समुद्र में डाला, उसको घर्षण